डिफ्रोस्ट क्या होता है? आपके फ्रिज के अंदर जब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है और वो जब बर्फ जमाना शुरू करता है, तब उस बर्फ को फिर से नॉर्मल पानी करने के लिए उस लो टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर में बदलना पड़ता है और इस प्रोसेस को डिफ्रोस्ट कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया और मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो बात यह है कि आपका फ्रिज जब दोस्तों 24 घंटा ऑन रहता है, उसके अंदर जो आइस जोन रहता है उसके अंदर बहुत ज्यादा बर्फ जमना शुरू हो जाता है, तो उस बर्फ को दोस्तों क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए दोस्तों उस बर्फ को पानी बना के वहां से निकाल देना होता है ताकि आपका फ्रिज हमेशा साफ रहे। तो इस जो प्रोसेस होता है दोस्तों, इसी को डिफ्रोस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों सवाल आता है यहाँ पे, डिफ्रोस्ट कब करना चाहिए और कैसा करना चाहिए? ये चीज तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। उससे पहले मेरा दोस्तों कुछ सवाल है आपके लिए। क्या आपको अपने फ्रिज के बारे में सारी जानकारी है? अगर है तो मेरे ये तीन सवालों का जवाब देकर दिखाओ। पहला नंबर सवाल, आप जब घर से बाहर जाते हो तब क्या आपके फ्रिज को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ कर देना चाहिए? सेकंड सवाल, रात को सोते वक्त आपके फ्रिज को ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ कर देना चाहिए? और थर्ड सवाल, 24 घंटों में से दोस्तों कितने घंटे आपके फ्रिज को ऑन रखने चाहिए और कितने घंटे ऑफ रखने चाहिए, ये मुझे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर दोस्तों ये तीनों में से कोई भी सवालों का जवाब आपको नहीं आता या फिर तीनों ही नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जाने अनजाने में आप अपना फ्रिज को डैमेज कर रहे हो। बिल्कुल सही सुना आपने, आप अपना फ्रिज को जाने अनजाने में खुद ब खुद डैमेज कर रहे हो। घबराओ मत, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। ये तीनों सवालों का जवाब पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने दिया है। कहाँ पे? तो यहाँ पे दोस्तों आई बटन में आपको मिल जाएगा वो वीडियो में मैंने दोस्तों सारा चीज कवर कर रखा है, बहुत ही साफ साफ आपको समझाया है आखिर क्यों और कैसे। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलना। अभी जाके मत देखना, पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो वीडियो देख लेना। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहन, आप देख रहे हैं फर्स्ट अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दिया हुआ बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाऊं आप सबसे पहले देख पाए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पे इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। अब चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। तो चलिए आपको दिखा देते हैं फ्रिज ओपन करके। फ्रिज ओपन करते आपको यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट आइस। अगर मैं फर्स्ट आइस को मैं ओपन करके आपको दिखाऊं, उससे पहले आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कूलिंग कंट्रोल दिया हुआ है और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है डिफ्रोस्ट को लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिफ्रोस्ट बटन दिख जाएगा, इसे प्रेस करेंगे तो ये नीचे घुस जाएगा और फिर ये ऑटोमेटिक बाहर भी आ जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। उससे पहले आपको कुछ जमा हुआ बर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूँ। जैसे कि देख पा रहे कितना गंदा हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे बर्फ जम चुका है ऊपर भी नीचे भी। तो इस बर्फ को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस साफ करने के लिए यहाँ पे डिफ्रोस्ट किया जाता है। और डिफ्रोस्ट क्या होता है मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का एक बटन दिख रहा है, इस बटन के ऊपर जब आप देखोगे बर्फ जम चुका है तब भी आप डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से पर 3 डेज के अंदर इसे डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, यानी 3 दिन बाद आप इसे डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बर्फ जमा हुआ है। तो इस बर्फ को अगर नहीं साफ करेंगे तो ऐसे ही बर्फ जम जम के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको अगर मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो आपको यहाँ पे डिफ्रोस्ट यहाँ पे बटन आपको प्रेस करना है कूलिंग कंट्रोल के ऊपर, वो दिख रहा है। ठीक इसके नीचे अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 जो भी है दोस्तों ब्लो इसका कूलिंग कंट्रोल वो दिख जाएगा। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस डिफ्रोस्ट एवरी 3rd डे और वेन आई साइड्स रेड पिन इन फ्रीजर, यानी हर 3rd दिन डिफ्रोस्ट बटन दबाए या फ्रीजर में लाल पिन बर्फ के ढकने के बाद इसे दबाए। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बर्फ ऑलरेडी कितना सारा हो गया है, ये बर्फ पानी हो जाएगा, जैसे आप डिफ्रोस्ट करेंगे पानी हो जाएगा। और पानी होने के ठीक बाद ऐसे यहाँ से नीचे से निकल के इस पाइप के अंदर घुसेगा और पाइप के अंदर जाके सीधा पीछे में जमा होगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा बर्फ क्लियर हो जाएगा जैसे डिफ्रोस्ट बटन आप दबाएंगे, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जाके आपके पीछे में ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे आपका भी फ्रिज के पीछे में होगा, यहाँ पे आके सारा पानी जमा हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया डिफ्रोस्ट कैसे करते हैं और कब करते हैं, मैंने सारा चीज आपको दिखा दिया है। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा, वीडियो यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत किसी को दोस्तों डिफ्रोस्ट करना नहीं आता है।
और जाने अनजाने में अपना फ्रिज को वो डैमेज करते रहते हैं। आप अगर नए फ्रिज खरीदे हो तो बधाई हो। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ सवाल अगर अभी तक रह गया हो आपके मन में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप अगर हमसे पर्सनल जुड़ना चाहो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे जाके दोस्तों मुझे मैसेज करें, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे। अब दोस्तों अगर इसके पिछले वाले वीडियो देखना है, यानी तीन जो इम्पोर्टेंट सवाल मैंने सबसे पहले पूछा था आपसे वो वीडियो देखना है, उसका जवाब देखना है, तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों हमारा न्यू फ्रिज का अनबॉक्सिंग देखना है, रिव्यू देखना है, तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज में।